और सब गाइस वेलकम बैक टू द व्लॉग। अभी हम लोग हैं गोवा में और कल है ISL इंडियन फुटबॉल लीग का फाइनल्स। मोहन बगान और बैंगलोर खेल रही है। मैं आपको मिलाना चाहता हूँ एक स्पेशल पर्सन से जो इंडियन फुटबॉल टीम के गोलकीपर है, वो बैंगलोर फुटबॉल क्लब के भी गोलकीपर है। लेट्स मीट गुरप्रीत पाजी। जी कैसे पाजी? ऑल गुड, हाउ आर यू? बहुत बढ़िया, थैंक यू सो मच। तो इनके बारे में जब मैं पढ़ रहा था तो योर करियर स्टार्टेड छोटे में, बचपन में क्रिकेट खेलते थे मैंने सुना, हाँ जी फुटबॉल में आए। हाँ जी, माय डैड लव्स क्रिकेट, तो उन्होंने लोकल क्रिकेट एकेडमी में मुझे बोला कि जाओ एक बार ही ट्रायल लेके आओ चंडीगढ़ में। हाँ जी, तो PCA स्टेडियम के पास एक ग्राउंड है, वहाँ पे मैंने जाके एक बार ही ट्रायल्स दिए। उन्होंने बोला आओ दो तीन बार ही ट्रेनिंग करो, बट आई डिडंट फॉल इन लव विद द गेम एट दैट मोमेंट। अच्छा, और उसके बाद से फिर आई डिसाइडेड फॉल इन लव विद गेम नहीं हो पाया कि अच्छा नहीं खेलते थे आप? दोनों ही जी। अच्छा? मैं चाहता था मेरे को बैटिंग कराए, पर मेरे से फील्डिंग करा रहे थे, बॉलिंग करा रहे थे। आपकी हाइट देख के आई थिंक उनको लगा होगा कि बॉल डालेगा फास्ट बॉलर। नहीं, बॉल भी नहीं कराई, बैट भी नहीं कराई, फील्डिंग कराई। मेरे ख्याल से मैं आई वाज टू यू नो इंपेशेंट एंड इमैच्योर एट दैट टाइम टू अंडरस्टैंड, सो आई वाज लाइक या आई वांट टू प्ले समथिंग व्हिच आई एम इन्वॉल्वड इन। तभी फुटबॉल के पीछे भागना ज़्यादा अच्छा लगा। हाँ, तो मतलब व्हाई आई वांटेड टू आस्क हिम दिस, बिकॉज बहुत सारे प्लेयर्स हैं, सौरभ गांगुली सर हैं, धोनी सर हैं, जो पहले फुटबॉल खेलते थे फिर बाद में क्रिकेट में आए। तो गुरप्रीत पाजी पहले क्रिकेट खेलते थे बाद में फुटबॉल में, तो थोड़ा सा उल्टा फिक्सर लगा इनका पाजी। लेकिन एक बताओ, फुटबॉल में मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ी सी ये नाइंसाफी होती है, अगर एक बंदा पीछे से बॉल लेके आया तो मिड फील्डर को, मिड फील्डर ने छकाते हुए सारे प्लेयर को, और जो बंदा फॉरवर्ड खेल रहा है उसने बस हल्का सा टच करके अंदर चली गई तो गोल उसी के नाम पे आएगा। हाँ जी बिल्कुल, ये थोड़ा अनफेयर नहीं है? बेचारा पीछे वाला मेहनत करके आया, उसका काम ही यही है जी। और उसका काम है कि जो स्ट्राइकर है उसके पास बॉल जाए, और स्ट्राइकर का काम है बॉल गोल में डालना। हाँ। जो हमारे छेत्री साहब बहुत जी, अच्छा जी, जी, करते हैं। हाँ जी, तो चाहे छेत्री साहब जितना मर्जी क्रेडिट ले लें, जो पीछे के बंदे हैं वो भी बहुत मेहनत करते हैं। वही मैं कह रहा हूँ, तो पीछे के बंदे की सारी मेहनत है, बेचारे पद्दी करा के इतनी फील्ड कवर कर करके आ रहे हैं। भाजी और कुछ अपने करियर के बारे में कुछ इंटरेस्टिंग किस्सा, कभी फुटबॉल खेलते हुए या किसी फैन के साथ या टीम के साथ या ड्रेसिंग रूम में कुछ ऐसा? ड्रेसिंग रूम बोलते हैं आप लोग भी, क्या बोलते हैं? हाँ जी हाँ जी, ड्रेसिंग रूम बोलते हैं। एक इंटरेस्टिंग मैं आपको किस्सा सुना सकता हूँ। मेरा पहला ही प्रोफेशनल मैच था, 100,000 पीपल इन द स्टेडियम, फुल पैक्ड स्टेडियम सॉल्ट लेक, और मुझे याद है कि मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस था, फर्स्ट प्रोफेशनल गेम था। और जब मैं गोल में जाके खड़ा हुआ और फैंस इतने ज़्यादा पैशनेट होते हैं और इतने ज़्यादा इन्वॉल्व होना चाहते हैं, तो मुझे याद है मैं जब गोल में पहुँचा तो मैं ऐसे जब टर्न करके खड़ा हुआ मैच स्टार्ट होने के लिए, पीछे से एक उड़ती हुई चीज़ आई और मेरे पैरों के पास गिरी। मैं देखा क्या है, और फिर मैंने देखा ऐसे पैर मार के आम की गुठली थी। मैं सोचा अभी एक तो जो आदमी ने थ्रो किया होगा बहुत ही फैंटास्टिक थ्रो, और पर सोचा क्या अभी आम की गुठली मारूंगा तो क्या होगा। चलो बाजी बहुत अच्छा लगा मिलकर आपसे, थैंक यू सो मच फॉर टाइम, ऑल द बेस्ट फॉर द गेम। थैंक यू। जाते जाते ऑडियंस को बोल दूं मैं, गुरप्रीत बाजी की हाइट इतनी लंबी इसलिए भी दिख रही क्योंकि मुझे खड़ा गड्ढे में किया गया है। ये देख सकते हैं लेवल फील्ड नहीं है, वी हैव नॉट गॉट अ लेवल प्लेइंग फील्ड। थैंक यू बाजी, थैंक यू सो मच। ब्रेकफास्ट इज कंप्लीट, सोच गए थे नीचे कि रितु खाना खाएगी, मैं बिल्कुल नहीं खाऊंगा क्योंकि रात को बहुत हैवी ईटिंग हो गई थी, लेकिन नीचे जाते ही फिर मैं कर लाओ सर कॉफ़ी पीते हैं खाली, फिर कॉफ़ी पी, कॉफ़ी के साथ एक टोस्टेड ब्रेड तो बनती है सर। अच्छा बॉइल्ड एग्स भी है, बॉइल्ड एग्स तो हेल्दी होते हैं सर। अच्छा बॉइल्ड एग तो एग वाइट कम, तो फिर एक काम करिए एग वाइट का ऑमलेट भी ले आइए, फिर एग वाइट का ऑमलेट टेस्टी नहीं था तो इडली वाली चटनी भी ले आई, अब इडली की चटनी आ गई एक पीस इडली भी खाई लेते हैं। तो अब हमारा हो गया हैवी डिनर प्लस हैवी ब्रेकफास्ट। मालिक अब इतना खर्चा हो गया तो एक चिप्स ले लेते हैं। तो हमने नीचे सुनील छेत्री सर के साथ एक रील शूट किए जो कि हमारे इंस्टाग्राम जल्दी आ जाएगी, फॉलो कर सकते हैं @tanejaraudgaurav पे, और इंडियन फुटबॉल टीम के जो गोलकीपर थे गुरप्रीत पाजी उनके साथ शूट किया। अभी हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं मुंबई, हमें निकलना था मुंबई यहाँ से 3 बजे, बट हमारा काम यहाँ पे ऑलमोस्ट हो ही गया तो हम लोग जल्दी निकल रहे हैं, तो टिकट कराते हैं मुंबई निकलते हैं। मुंबई में आज है इंडिया वर्सेज ऑस्ट्रेलिया, फुटबॉल में सीधा क्रिकेट, फर्स्ट वनडे इंटरनेशनल। एकदम इन्होंने वक्त बदल दिया, जज्बात बदल। तो फॉर अ चेंज हमने सोचा सीढ़ियों से आते हैं, आज सीढ़ियों में तो क्रैक पड़े भैया। हम लोग अभी डिपार्ट कर रहे हैं गोवा से, अभी मैंने चेक किया है इंडिया टॉस जीत चुकी है, और खुशी की बात यह कि इंडिया ने बॉलिंग करने का फैसला किया, तो जब हम पहुंचेंगे तो इंडिया की बैटिंग देख पाएंगे। अभी मुंबई यहाँ से हम सारे सीधा वानखेड़े से दिक्कत यह है कि ये बीच में और वानखेड़े पूरा साउथ में, बहुत ज़्यादा टाइम लगने वाला, और रात को ही वापस हमें गोवा जाना है, आज का दिन भी प्योर है। सो दिस इज यश,
थैंक यू सो मच यश। इनविटेशन इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया वानखेड़े स्टेडियम में मैच है। अभी अपन बॉलिंग कर रहे हैं ना? बॉलिंग कर रहे हैं। मैंने कहा थैंक गॉड आज बॉलिंग ही करे, बैटिंग ना छोड़ी अपनी। मुझे ऐसे ही फील क्यों आ रही कि हमारा मुंबई आना वेस्ट ना हो जाए। अबे ऑस्ट्रेलिया के पहले 174 पे 6 विकेट हो गए, चिथड़े वैसे ही फट चुके हैं। बैटिंग क्या करेंगे हम, रन ही नहीं है। कितने उसमें वो, अबे ओवर छोड़ो 30 ओवर में 174 है, 6 विकेट हो चुके हैं, रन ही नहीं बनेंगे तो हमारी टीम रन क्या बनाएगी। आए हैं मुंबई में मैच देखने वानखेड़े में। दिस इज द प्रेसिडेंशियल बॉक्स एंड दिस इज श्री अमोल काले जी, द प्रेसिडेंट ऑफ मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग अस। थैंक यू, ऑलवेज अ प्लेजर। थैंक यू सो मच। और खुशी की बात यह है कि इंडिया की सेकंड बैटिंग है, तुम्हारी बैटिंग नहीं छूटी। और दुख की बात यह है कि ऑस्ट्रेलिया का स्कोर कम है। सो ये है अभ्यम। अभ्यम नाम है? मैं अश्विन ही। अभ्यम आपका? ये अभ्यम है। तो कह रहे एक फोटो लेते, मैंने कहा ठीक है, तो सेल्फी ले लो। मैंने कहा ठीक है, मैं ही ले लेता हूँ सेल्फी। तो उन्होंने मुझे अपना फोन दिया। क्या हाँ, कोहली आउट हो गया, इसको यहाँ खाने की पड़ी है। और क्या मैं कह रहा हूँ, बैटिंग देख ले कोहली की, बैटिंग देख ले कोहली की, आउट। भैया हार तो नहीं जाएंगे आज? हैं? खुशी हो रहे हो? खुश हो रहे हो? हार्दिक पांड्या है ना? सूर्या बैटिंग करते पहले बॉल पे अपील हो गई, बट मुझे क्लोज लग रहा है, मुझे क्लोज लग रहा है। ये डीआरएस लेगा, दे दिया, आउट है, आउट है भाई। अरे यार चिट। अरे भाई साहब, अब सीट पे बैठ जाओ, सीट से नॉट हो, तुम अनलकी हो बेटा, उठ के तुम चाट पकौड़ी ना खाओ। थोड़ा सा मैच संभाला हार्दिक भाई ने, कप्तानी पारी खेल ले, हम लोग कहाँ चाय पीने आ गए, तो चाय वाले कप खत्म हो गए, गहरे गहरे कप पड़े भैया इसमें से डाले, दूर 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 दूर। मैंने कहा बस 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 बस, भैया ने हाथ में नहीं लगा, ये तो नहीं भरा है, एक घंटे से डाल रहे थे आप। जैसी तारीफ की हार्दिक आउट हो गया यार, मेरे तो आज मैं मेरे मुंह में आज अभी पीछे सारे डेकोरेटिव बैठे हुए हैं, मोहम्मद अजरुद्दीन एक सीनियर कैप्टन भी आए हुए हैं। लेकिन अगर मैं अगर ऐसी सिचुएशन में मैच फंसा हुआ और सिंगल डबल का गेम है और जो रिस्टी प्लेयर थे ना मोहम्मद अजरुद्दीन, मतलब कहीं की भी बॉल को कहीं की भी रिस्ट से घुमा सकते थे, वो अगर उतर जाए ना आज मजा आ जाए। तो यहाँ पे सारे लोग आए हुए हैं, पॉलिटिशियन सारे बैठे हुए हैं, डिप्टी सी एम महाराष्ट्र के, गवर्नर हैं, सेक्रेटरी बी सी सी, सब लोग बैठे हुए हैं, बी सी सी के बड़े बड़े लोग, बीच में अजय देवगन सर भी आए थे। अजय देवगन सर इस गेट से घुसे, यहाँ से तेजी से गए सामने वॉशरूम, वॉशरूम किया वापस, मुझे समझ में नहीं आया, मतलब वॉशरूम करने आए थे या मैच देखने आए थे, क्या था पता नहीं। मैं नहीं बताऊंगा। मतलब ऋतु को मिले भी, ऋतु को उन्होंने हाय हेलो करी? हाँ हाय हेलो करी तेरे को? अभी फैसिलिटेशन चल रही है पीछे, जितने भी डिग्निटरीज आए हुए उनकी। मैच में तो हालत टाइट हो चुकी है, 3 विकेट गिर चुके हैं, लेकिन पीछे रजनीकांत सर द गॉड बैठे हैं, अब वही बचा सकते हैं। मैं कह रहा हूँ जोर से चिल्ला दे, do the Rajini dance, all the people on the floor, and then we'll together go to jail. इस बॉल पे खत्म मैच, दो रन चाहिए इंडिया को जीत के लिए। आपने बहुत रील सुनाई थी ना केएल राहुल के लिए, पूरा मैच उसने जीता। मतलब आज फिर बनाएंगे केएल राहुल के लिए, केएल राहुल सुप्रीमेसी प्लेयर। नमस्कार, बहुत खुशी हुई लक्ष्मी है जब लाइफ में आई थी तो मेरा करियर बहुत आगे बढ़ा था, जब पहली बेटी में लाइफ में आई तो बहुत करियर आगे बढ़ते रिकॉर्ड मीटिंग रखने आई जीत गया बेटा, मैच जीत गया, चलो लेट्स गो। राहुल ने जिताया, मैच खत्म हो गया। दिस वॉज फ्रॉम वेयर वी हैड द मैच, अभी निकल रहे हैं वापस।
टीम इंडिया की बस जा रही है, ऑस्ट्रेलियन टीम निकल चुकी है, इंडियन टीम अभी यहाँ से निकलेगी अंदर। अरे वो यहाँ तो यहाँ से सीधा हमारा प्रोविजन, यहाँ से टीम निकलेगी और ये गेट नंबर 1, यहाँ से भी हम लोग बाहर निकलेंगे। तो हम लोग अभी 11:30 बज रहा है, 11:20 की फ्लाइट थी, लेकिन एज यूजुअल हमारे एल लग चुके हैं। मेरे तो ज़िंदगी में इतने एल लगे ना, मैं छोटा था तो मेरे एल लगते थे हर 3-4 महीने में एक, फिर मैं बड़ा हुआ फिर मेरे हर महीने एल लगने लगे, फिर जब मैंने जॉब करना शुरू की तो मेरे हर हफ्ते एल लगने लगे, अब जब मैं मेरे एक कर रहा हूं। मेरे एक दिन में 5 एल लगते हैं, तो आई एम एल की पावर 1000 इतने एल हो चुके हैं मेरे, समझ लो बहुत ज़्यादा एल हो चुके हैं मेरे। तो फ़्लाइट अभी डिले हो चुकी है, रात के 2:40 की फ़्लाइट हो गई है, और एयरलाइन कहती है सर कोई बात नहीं, या तो आप कैंसिल करा लीजिए आप सुबह की ले लीजिए। मैंने कहा अगर मैं कैंसिल कराऊंगा सुबह की लूँगा तो होटल तो मुझे अपना कराना पड़ेगा, मैं मुंबई का तो हूँ नहीं, तो ट्रैवलर्स के लिए बहुत ज़्यादा दिक्कत रहती है फ़्लाइट कैंसिलेशन में। तो अभी यहाँ पर रात काली हो चुकी है, तो मैं सोच रहा हूँ मैं यहाँ पर लाइव करता हूँ यूट्यूब लाइव, सबकी रात काली करूँगा। सर मेरी रात क्यों काली हो? वानखेड़े स्टेडियम से स्पेशल, इसको अनबॉक्सिंग करेंगे, पहले चलते हैं कुछ खा लेते हैं। वो मेन दिक्कत ये है हमने वहाँ पे कम खाया था, पहले यहाँ पहुँच जाते हैं, यहाँ आराम से बैठ के खाएंगे चिल करके, और अभी यहाँ 11 बजे के बाद सब बंद हो चुका है, तो इसलिए मेरे दोबारा से एक एल लग चुका है। सर कहेंगे साहब एल ही खा लो, अबे चल स्टारबक्स चलते हैं यार वहीं कुछ खाएंगे। अरे मुझे लग रहा है अभी बंद हो चुका है, जितनी बड़ी रशी की रोटी होती ना उतनी बड़ी तो उन्होंने कुकी लगा रखी है। हम लोग आ चुके हैं यहाँ लाउंज में, देखते हैं क्या सीन है। सुबह के 2:30 बज रहे हैं, फाइनली हमारी फ्लाइट का टाइम हो गया, हम लोग लाउंज में थे तो 2 बजे का अलार्म लगाया हमने, 2:40 की फ़्लाइट थी, जितने भी अलार्म थे एकदम से लाउंज हुए सारे 2 बजे, सारे बंदे हमारे स्पाइसजेट वाले थे जो 2 बजे उठे हैं। अभी हम एस्केलेटर में थे तो मैं सामने जो जितने बंदे जा रहे हैं ना सामने गए, मैंने कहा एक्सक्यूज़ मी स्पाइसजेट, कहता यस सर यस सर। जो लाउंज थी अदानी लाउंज पूरी खाली हो चुकी है समय जाके, आप भी इसको लेके घूम ही रहे हो तब से अब तक। प्रधानमंत्री का वो बॉडी गार्ड पूरे देश के न्यूक्लियर कोड इसी में ऐसा लगा। अरे इसकी अनबॉक्सिंग सॉरी गाइस अभी नेक्स्ट शूटिंग में करेंगे, भूल ही गया मैं। तो मेरे को कहते हैं आपने क्या सोच के ये फ्लाइट कराई थी, मैंने कहा सोच कुछ सीख रही थी कि टाइम बचेगा, 9 बजे पूरा मैच देखेंगे फिर 10:30 की फ्लाइट ले लेंगे, टाइम ही टाइम हो गया हमें बचने के। हमारे पास 2 ऑप्शन थे, तो स्पाइस जेट या तो फिर एयर एशिया। मैंने कहा एयर एशिया जिस दिन के जीतूंगा उसी दिन उसके बाद ही जाऊँगा, उससे पहले तो नहीं जाऊँगा, तो यही ऑप्शन था हमारे पास एक फ्लाइट का। भाई साहब ये जो बोर्डिंग की लाइन है पीछे ये भी मूव नहीं कर रही, ऋतु कह रही है वो इसलिए क्योंकि इनके पास एक ही बस है जो कुछ पैसेंजर चढ़ता है इनको छोड़ के आती है। तो मैंने कहा भैया उसमें 1-1 घंटा के वो बस गोवा तक छोड़ के आ रही है क्या डायरेक्ट? कहेंगे सर वो बस ही थी हमारे पास, जहाज तो हमारे सारे ख़राब है, बस ही तो चल रही थी, वो बस ठीक कराने में इतना डिले हुआ है सर, जहाज तो हमारे अगले साल ही आएंगे। ये देख ऐसा नहीं है कि पैसे की कमी है, रेंट पे गाड़ी भी ले आई है, ऋतु की बात सुन ली कि इनके पास एक ही कोच है घूम घूम के भैया आ रही है, उन्होंने भी यार इंडिगो से मांग ली बगल वाले से, भाई तू देख एक कोच है पहले वो पैसेंजर भरती है फिर एयरपोर्ट पर छोड़ने से पहले यहाँ पे 3 चक्कर खाली काटती है, कैसा एयरपोर्ट पर देखे कि हमारे पास सिर्फ एक नहीं है बहुत सारी है। One eternity later. Finally, सुबह के 5:30 बजे हम पहुँच गए हैं अपने रूम, गोवा एयरपोर्ट लैंड हुए, कैब आई भैया लेने आए, भैया कहे कि आँख नींद लग गई रास्ते में, ऋतु कहती है वरब आप गाड़ी चला, तो मैं गाड़ी चलाने चला गया, ड्राइवर भैया मेरे बगल में आके बैठ गए, वो भाई गाड़ी चलाता उसके वैसे नींद है, बगल में बैठा भाई ने रील देखना चालू कर दी, भाई रील देखे जा रहा है यार, मैं गजब आदमी सो ले यार नींद आ रही थी। तो एनीवेज अभी पहुंच चुके हैं रूम, इस बॉक्स में क्या उसको हम कल ही अनबॉक्स करेंगे या अभी कर दें? कल करेंगे। ये बतख कोई नहीं यार, चलो अपना ख्याल रखो, आई होप आप लोग अच्छे से सोएंगे, हमारी तो रात काली हो गई आज, आपसे मिलेंगे कल।